हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मेरा दोस्त मुझसे आकर बोलता है, यार तुम पतले होते जा रहे हो। मैंने उसको बोला, लेकिन तुम तो मोटे होते जा रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आज हम इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, गेटिंग, ग्रोइंग और टर्निंग, ये तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं और उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर मैंने किसी को कहा कि तुम मोटी होती जा रही हो, तो यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। गेटिंग की जगह पर हम ग्रोइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टर्निंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू आर ग्रोइंग फैटर एंड फैटर, यहाँ पर हम एडजेक्टिव, यानी इसमें एडजेक्टिव फैट है, तो फैट का हम कंपैरेटिव डिग्री फैटर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एंड और फिर से एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो यू आर ग्रोइंग फैटर एंड फैटर, यू आर टर्निंग फैटर एंड फैटर, तुम मोटी होती जा रही हो। वह आलसी होता जा रहा है, He is growing lazier and lazier. He is getting lazier and lazier. He is turning lazier and lazier. वह मजबूत होता जा रहा है, He is growing stronger and stronger. He is getting stronger and stronger. He is turning stronger and stronger. आप अमीर होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। यू आर ग्रोइंग रिचर एंड रिचर। यू आर टर्निंग रिचर एंड रिचर। वह पतला होता जा रहा है, ही इज ग्रोइंग थिनर एंड थिनर। ही इज टर्निंग थिनर एंड थिनर। ही इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। रोगी की हालत खराब होती जा रही है, द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज ग्रोइंग वर्ष एंड वर्ष। बेड का कंपेरेटिव वर्ष होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज ग्रोइंग वर्ष एंड वर्ष। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज टर्निंग वर्स एंड वर्स। तुम्हारा भाई बुद्धिमान होता जा रहा है, योर ब्रदर इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। योर ब्रदर इज ग्रोइंग वाइजर एंड वाइजर। योर ब्रदर इज टर्निंग वाइजर एंड वाइजर। सूरज गर्म होता जा रहा है, The sun is getting hotter and hotter. The sun is growing hotter and hotter. The sun is turning hotter and hotter. Friends, अगर हम इसको बोलेंगे कि वह मोटा हो गया है, तुम पतले हो गए हो, सूरज गर्म हो गया है, तो ऐसे sentences को हम कैसे बोलेंगे? तुम मोटे हो गए हो, You have got fatter. तुम पतले हो गए हो, You have got thinner. यहाँ पर हम comparative degree का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुम मोटे हो गए हो कहने से ये मतलब होता है कि आप पहले से मोटे हो गए हो। Okay friends, मोटे हो गए हो मतलब पहले मोटा नहीं था, अब मोटा हो गया है, इसलिए हम पहले की अपेक्षा बताते हैं कि तुम मोटे हो गए हो। इसलिए यहाँ पर हम comparative degree का इस्तेमाल करते हैं कि तुम मोटे हो गए हो। You have grown fatter. You have turned फैटर। ओके फ्रेंड्स, वह मोटा होता चला गया, तुम पतले होते चले गए। वह बुद्धिमान होता चला गया, तुम्हारा दोस्त तो अमीर होता चला गया। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तुम मोटे होते चले गए, यू गॉट फैटर एंड फैटर। यू grew fatter and fatter. You turned fatter and fatter. वह अमीर होता चला गया,
ही गॉट रिचर एंड रिचर, ही ग्रीव रिचर एंड रिचर, ही टर्नड रिचर एंड रिचर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे, और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।